नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से है। व्यापारियों को स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कोरोना काल में निसहाय व गरीब तबके को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर में आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन रजी द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन राजमहल रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कृष्ण गोपाल मित्तल द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि सतपाल, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सरदार सुखदर्शन सिंह बेदी, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग रहे। कार्यक्रम का संचालन नगर अध्यक्ष राकेश त्यागी एवं जिला युवा अध्यक्ष प्रवीण जैन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों जिनके द्वारा लॉकडाउन की अवधि में जरूरतमंद लोगों को लगातार 64 दिन तक भोजन, सूखा राशन, सैनिटाइजर एवं विभिन्न प्रकार से सहायता उपलब्ध कराई गई। उन सभी को कोविड 19 में सेवाएं देने के लिए संगठन द्वारा माननीय स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल ने कहा कि हमारे जिला मुजफ्फरनगर से लॉकडाउन की अवधि के दौरान कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं गया। हम सभी व्यापारियों का भरपूर सहयोग देने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं एवं आज उनको सम्मानित कर रहे हैं। माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल को व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अग्रणी रहने के लिए पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभासद रोहित पायल, सभासद मनोज वर्मा, सभासद राजीव शर्मा, सभासद प्रवीण पिंटर, संजय गर्ग जिला उपाध्यक्ष भाजपा, विशाल गर्ग पूर्व सभासद राजकुमार सिद्धार्थ के साथ साथ संगठन के सरदार बलविंदर सिंह, पवन वर्मा, सुनील वर्मा, मनोज जैन, आईजी उदित किंगर, अमर महेश्वरी, तरुण मित्तल, गौरव जैन, पराग अग्रवाल, अंकित मित्तल, अभिलक्ष मित्तल, अतुल गोयल, सौरभ मित्तल, विजय कुशल, विकास मल्होत्रा, राहुल गोयल, कार्तिक गोयल, हर्ष गोयल, दीपांशु कुच्छल, निखिल जैन, मनोज गोयल, नीरज बलियान, भीम बलियान, शोभित जैन, नीरज जैन, सुरेंद्र नगर, नितिन गोयल, वीरेंद्र अरोरा, भानु प्रताप, शशांक जैन, एचडीएफसी बैंक सहित अनेक पदाधिकारियों एवं व्यापारियों को सम्मानित किया गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। व्यापारियों का कार्यक्रम है, सम्मानित क्या है? आज ये कृष्ण गोपाल जी के द्वारा, राकेश त्यागी जी के द्वारा और इनके पूरे व्यापार मंडल के द्वारा जो कोरोना काल में जिन व्यापारियों ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान किया, मदद की और दान के रूप में एक हाथ से मदद की, दूसरे हाथ को पता नहीं लगा, यानी व्यापारी स्वयं संकट में था, दुकानें व्यापार बंद होने के कारण, उसके बावजूद भी ऐसे निर्धन लोगों की मदद की जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, सामग्री नहीं था, ऐसे सब लोगों की मदद करने का काम किया। मैं इनको बधाई देता हूँ, ऐसे सभी व्यापारियों ने अभिनंदन किया। निश्चित रूप से ये कृष्ण गोपाल जी, इनकी पूरी टीम, राकेश त्यागी जी, भैया प्रवीण जी, भूरा कुरैशी जी, सब लोग वीरेंद्र जी यहाँ बैठे हैं और आदरणीय सतपाल पाल जी, सुखदर्शन बेदी जी, सब लोगों ने मिलकर के ऐसे सब बंधु का सम्मान किया है। मैं भी उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने आह्वान किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, उस उनके संकल्प को, आह्वान को पूरा करने का काम हमारे व्यापारी साथियों ने किया है। ये सब बधाई के पात्र है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, शुभकामना।